हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन विद फ्रेश न्यू अडोबी प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल। तो गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो गाइस समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कोई मूवीज़ देख रहे हो, बॉलीवुड हॉलीवुड या उसकी जो मूवीज़ जब एंड हो जाती है, मूवी का एंड आ जाता है, तो उस टाइम ना आप कुछ जो शो कर उसमें होता ये है कि जो उसकी स्क्रीन है ना, जो उसकी वीडियो रेजोल्यूशन है वो एकदम से बिल्कुल छोटी कर देते हैं, और साइड में उसकी कास्टिंग वगैरह, डायरेक्टिंग वगैरह सब जो उसकी होती है, उसमें कास्ट होती है, उसके वो नेम वगैरह भी चल रहे होते हैं। तो कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। एक इसी वीडियो को मैंने बना रखा है कुछ इस तरह से, उसकी जो होती है रेजोल्यूशन वो एकदम से छोटी हो जाती है, और साइड से उसकी जो कास्ट है वो सारी एनिमेट हो रही होती है। तो इसको कैसे किया जाता है, और आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ यही कि आप जो अपनी वीडियोस हैं, अगर आप एक वीडियोग्राफर हैं तो आप ये कैसा कर सकते हैं Adobe Premiere Pro के थ्रू। तो गाइस देखते हैं इस वीडियो को एंड तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो गाइस ये वो वीडियो है जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। नाउ मुझे इतनी नहीं चाहिए, मुझे बस ये छोटी सी वीडियो चाहिए। और गाइस इसके लिए जो एक सिंपल सी टेक्निक है, और सेम टाइम्स ये भी होता है, ये जो एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप फेस कैम वीडियोस बनाते हैं, और फॉर एग्जांपल जैसे मैं फेस कैम यूज़ नहीं करता, अगर मैं साथ में फेस कैम यूज़ कर रहा होता तो ये टेक्निक मेरी वीडियोस के लिए बहुत ही बेस्ट थी। और सब जो होते हैं वीडियोग्राफर वो ऐसे ही करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस ये वीडियो है, अब मैं चाहता हूँ इसकी रेजोल्यूशन बिल्कुल छोटी हो जाए जैसे वो उस वीडियो में थी, और साथ में वो है जो उसकी कास्टिंग है, उसका जो टेक्स्ट है वो सारा एनिमेट हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जस्ट बात करेंगे कि हम वीडियो की रेजोल्यूशन को छोटा कर कैसे कर सकते हैं, और वीडियो का साइज़ कैसे छोटा कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्केल को करता हूँ छोटा लाइक दिस। मुझे यहाँ से नहीं करना अबाउट, मुझे करना है जाके यहाँ पे। अभी मैं चाहता हूँ इसका स्केल छोटा हो, और इसकी जो पोजीशन है वो हो लाइक दिस, पोजीशन इसकी हो कुछ यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो सारी वीडियो है, ओवरऑल वीडियो है, ये इसका साइज़ भी छोटा हो गया, कोई एनिमेशन नहीं हो रहा इसमें, और ये जो वीडियो है इसका साइज़ छोटा हो गया, कोई एनिमेट भी नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल आकवर्ड लग रहा है। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि उसमें जो एनिमेट भी हो हमारी वीडियो, ठीक है, और साइज़ भी छोटा हो जहाँ तक के हमें चाहिए। नो इसके लिए हम इनकी फ्रेम्स को डल करेंगे, जाएंगे स्टार्टिंग पोजिशन में, जो कि है इसकी ओरिजिनल पोजीशन लाइक दिस। दोबारा इंपोर्ट करते हैं इसको। नाउ ये वीडियो मैंने कर लिया इंपोर्ट, अभी मैं चाहता हूँ इसके जो छठे सेकंड पे जाके मैं इसको एनिमेट करूँ। नाउ इसके लिए गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी पोजीशन है जो शुरू से लेके हमने इसको एनिमेट करना है अबाउट 6 सेकंड पे जाके, ठीक है, 6 सेकंड पे जाके हमने इसको एनिमेट भी करना है, इसका स्केल जो साइज़ है वो भी छोटा करना है। नाउ इसके लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हमने जो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है वहाँ पर इसकी जो स्केल है इसका हमने पूरा ही रखना है, फिर 2 सेकंड 100 जो होता है, और इसकी पोजीशन भी हमने चेंज नहीं करनी, यहाँ पर भी हम एक की फ्रेम ऐड करेंगे। नाउ इसके बाद गाइस हम जाएंगे अबाउट, हमने यहाँ से इसको एनिमेट करना है। नाउ यहाँ पर भी हम एक की फ्रेम ऐड करेंगे इसकी जो साइज़ है स्केल में, और एक ही की फ्रेम ऐड करेंगे इसकी पोजीशन में।
क्योंकि हमने यहाँ तक इसकी पोजीशन भी चेंज नहीं करनी, और इसका स्केल है जो साइज़ है वो भी छोटा नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं प्ले करता हूँ इसको, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका ना साइज़ छोटा हो रहा है ना इसकी पोजीशन है वो चेंज हो रही है। नाउ मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पर जाके अबाउट अबाउट यहाँ पर जाकर ये एनिमेट हो, ठीक है, और इसका साइज़ भी छोटा हो। नाउ यहाँ पर मैं एक की फ्रेम ऐड करूँगा और इसका जो साइज़ है मैं छोटा करूँगा। नाउ उसके साथ ही यहाँ पर मैं इसकी जो रेजोल्यूशन है और जो पोजीशन है वो भी मैं इसकी चेंज कर दूँगा लाइक दिस। नाउ अभी आप देख सकते हैं कि ये एनिमेट भी होगा उसी तरह से और इसका साइज़ भी छोटा होगा। नाउ अभी आप देख सकते हैं, नाउ मैंने इसको ऐड किया है यहाँ तक, ठीक है, अभी मैं इनकी फ्रेम्स को यहाँ तक लेके आता हूँ और एंड तक ये छोटा ही साइज़ चलेगा इसका। नाउ इसके बाद हम आर की फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे और इसी ईज कर देंगे ताकि ये जो इसकी एनिमेशन है वो बिल्कुल स्मूथ हो। नाउ देखते हैं गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि ये कितना स्मूथली एनिमेट हो रहा है और इसका साइज भी छोटा हो गया, पोजीशन भी चेंज हो गई। और यहाँ पर अगर आप राइट साइड पे अगर अपना टेक्स्ट जो ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, टेक्स्ट ATC कुछ भी, और उसको एनिमेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इंशाल्लाह वो मैं बताऊँगा इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहेगी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए अगेन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।